कल हमारा शो है ना इसी थिएटर में, ये हमारा थिएटर है, सुजाता रंग रंगीली, या इट्स अ वन वुमन शो। ओके, आज आपसे कुछ मैं बातें करना चाहती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? स्टेज, बिग स्क्रीन, मॉडलिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रतिभा, प्रतिभा फिल्म के बारे में बात करते हैं। प्रतीक्षा, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी ये प्रतीक्षा फिल्म देखी होगी, सुपर डुपर हिट। अरे कुछ लोगों ने जब मेरे ट्रायल देखा तो बोलने लगा, अरे तू तो इसके बाद स्टार बनने वाली है, स्टार बन जाएगी। तभी तो मेरे लिए तो स्टार मतलब अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, मैं कैसे स्टार बनूंगी। लेकिन यार वाकई स्टार बन गई। उस वक्त 150 सिनेमा में ये फिल्म रिलीज हुई थी और कहां कहां से मुझे लेटर्स आते थे, फैन लेटर्स, एंड ऑल एज ग्रुप, टीनेजर्स से लेके ईच एंड एवरी पर्सन एज ग्रुप, दे लाइक द फिल्म। ओके, या सो प्रतीक्षा फिल्म का मेरा पहला दिन, शूटिंग का पहला दिन और मेरा भी पहला दिन। आप जानते हो कितने लोग थे लोकेशन पे आउटडोर शूटिंग? ओहो, इतनी आवाज आ रही थी, इतनी डिस्टर्बेंस हो रही थी, 8000 लोग, कसम से ज्यादा होंगे पर कम नहीं। और 8000 लोग, कितनी आवाज, वो टेक्नीशियन, ये वो फला, लंबे लंबे डायलॉग्स, मेरी ऐसी लंबी चोटी एंड मेकअप एंड गर्मी के दिन, अप्रैल का महीना, ओह माय गॉड, एंड साड़ी पहनी। अरे बाबा, आई लव टू वेयर साड़ी, ओके, पर ऐसे हम लोग बाहर पहनते, सोशलाइजिंग करते साड़ी पहन के, और फिल्मों में पहना उसमें बहुत फर्क है। ओह माय गॉड, बट वी मैनेज ब्यूटीफुली। सो अरे कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम लोग जो डायलॉग के रिहर्सल करते ना, जब हमारा फाइनल शॉट होता है, टेक होता है, उससे पहले हमें रिहर्सल करनी पड़ती, तो सामने वाले की आवाज नहीं सुनाई देती, जो एक्टर को एक्टर है उसकी आवाज नहीं सुनाई देती, फिर भी वी हैव टू गेस प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड वी हैव टू परफॉर्म अवर सीन। वी मैनेज्ड, मेरा स्टेज का एक्सपीरियंस मुझे काम आया। ओके, और हाँ, दूसरी बात मुझे आपसे करनी, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रतीक्षा फिल्म की शूटिंग फिल्मिस्तान स्टूडियो, बड़ा इंटेंस सीन था वो पुलिस स्टेशन वाला, देखना। पुलिस स्टेशन में मैं भागी जा रही हूँ, मैं कंप्लेन करने के लिए जा रही हूँ, तो बोला कैमरा एक्शन यो, और मैं भागी, स्कूटर आया, हाँ स्कूटर का पासिंग आया, और मुझे नहीं मालूम था, ओ गॉड, ऐसी चोट लगी मुझे, सच कहती हूँ, अगर मेरी जगह पे कोई दूसरी हीरोइन होती ना तो पैकअप हो जाता दोस्त। हीरोइन को लगा, मैडम को लगा, पैकअप पैकअप पैकअप, और 7 दिन तक वापस शूटिंग भी नहीं होती क्योंकि चोट लगी है। लेकिन गेस व्हाट, इन माय केस आई वाज बीइंग अनस्टॉपेबल, मैंने वो पूरा जो टेक था कंप्लीट किया, और जैसे कंप्लीट किया, लोगों की, जितने भी लोग सेट पे थे, लोगों की ताली, ये being unstoppable, yes, again, हमारे स्टेज की जो ट्रेनिंग है ना, the show must go on, so it went on, पर उसके बाद मेरी जो हालत हो गई, वो मैं ही जानती हूँ, oh God, पता है किसने किया था, मालूम है, hello, sorry, मैं सब आपको आज नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, हम लोग मिलेंगे ना, every week we are going to meet every Monday, so you wait for the next episode, till then you please watch this film Pratikha, Telugu film, Prati Ghatna ki remake hai, usme bada acha actor tha south ka, Charan Raj, Rachi production ne produce kiya tha, aur mere stage ke kalakar the, bada maza aayega, aapko bhi maza aayega, dekh lena, we meet next Sunday, next Monday, yo.